वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग गार्डन आई एम डॉक्टर मंजू टूडे वी विल रीड अबाउट हारमोन्स इन एनिमल्स दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ अवर चैप्टर सेवन फ्रॉम क्लास टेन एन सी आर टी साइंस बुक तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और उसमें हमने कुछ प्लांट्स हारमोन्स के बारे में भी पढ़ा था आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर हमने एक मेथड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के हमने मेथड देखे थे एक मेथड हमने देखा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा नर्वस टिश्यू के थ्रू हो रहा था और हम यूं कहें कि जिसमें नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा था लेकिन जो दूसरा मेथड है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का दैट इज केमिकल हम यूं कहें कि हार्मोन्स तो ये एनिमल्स में जो है कैसे वर्क करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं तो हम ये बढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स जैसे यहाँ पे लिया है गिलहरी जिसको बोलते हैं तो ऐसे में वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आइदर दे फाइट और दे रन अवे या तो उनको लड़ना है या भाग जाना है तो दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज हैं और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज को दे कंट्रोल मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज को एक कंट्रोल्ड वे में कैसे डील करें तो इसमें क्या है कि इन दोनों ही एक्टिविटी में अलग अलग बॉडी के टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लेकिन ये देखिए दो अल्टरनेट एक्टिविटीज हैं एक है फाइटिंग दूसरा है रनिंग दोनों क्वाइट डिफरेंट है लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन में किसी भी एनिमल के पास अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कुछ कॉमन प्रिपरेशन होंगे मतलब कुछ कॉमन प्रिपरेशन ऐसी होंगी कि वो उसको या तो भागना है या रन करना है या फाइट करना है कुछ भी करना है लेकिन पहले से उसके पास कुछ प्रिपरेशन है तो ये सब कैसे अचीव होता है अगर मान ले ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं केरल का उसमें हम यू कहें कि मान लो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के, के थ्रू होता तो इलेक्ट्रिकल मेथड से होता या फिर हम यू कहें कि नर्व सेल्स के थ्रू होता तो हमें पता है कि जो टिश्यूज रेंज हैं वो कहां पे मतलब जहां पे आपके नर्व सेल्स गए हैं जहां पे आपके नर्व नर्वस सिस्टम जहां पे आपका कनेक्टेड है केवल ये वहीं पे वर्क करता जबकि अगर केमिकल सिग्नल के थ्रू होता है मान लो केमिकल सिग्नल बी तो सेंट एज वेल कैसे? क्योंकि अगर हमने ये डिस्कस किया था इवन जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे थे कि अगर बॉडी के किसी एक सेल में आपका कोई केमिकल रिलीज होता है तो ये आ, साथ वाली सेल में डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी की जो एडजस्ट सेल है वहां पे डिफ्यूज होगा एंड इट कैन डिफ्यूज टू थ्रू आउट द बॉडी तो इस तरह से जो आपका केमिकल ट्रांसमिशन है वो एक बॉडी की वाइड रेंज को कवर कर लेता है और ऐसा बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तो ये एक हार्मोन यूज करते हैं जो हम सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं स्केरी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं वहां पे जो हार्मोन यूज हो रहा है दैट इज एड्रेनालिन हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये जो है फिगर 7.7 में कुछ ग्लैंड्स का लोकेशन दिखाया है वो हम अभी स्टडी करेंगे लेकिन उसके पहले हम एड्रेनालिन हार्मोन का क्या काम है वो थोड़ा सा यहां पे रीड आउट कर लेते हैं एड्रेनालिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड है हमने बताया एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है डायरेक्टली सिक्रेटेड इन टू द ब्लड और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसको सप्लाई किया जाता है यहाँ पे जो एड्रेन हार्मोन है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यूज या टारगेट ऑर्गन है वहीं पे ये काम करता है जैसे स्पेशली मान लो हमने हार्ट का ले लिया तो ये हार्ट पे जाके काम करेगा तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी हार्ट बीट फास्टर तो उससे क्या होगा मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या स्किन है वहां पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है क्यों रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये जो ऑर्गन हैं कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के जो ऑर्गन हैं वहां पे जो स्मॉल आर्टरीज हैं उनके उनके ऊपर मतलब जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है इसके अलावा ये ये यहां पे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन और ब्रीदिंग uh, रेट बढ़ जाता है कैसे बढ़ जाएगा क्योंकि जो हमारा डायफ्राम है जो रिब्स मसल्स हैं अगर आपको ध्यान हो आपने रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि कैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम चेंज होता है तो डायफ्राम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है तो इन सब के होते हुए क्या रिस्पॉन्स जितने भी हमने एक्टिविटीज बताई हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में बढ़ जाती है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है डायफ्राम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये सारे रिस्पॉन्सेज एनिमल बॉडी को इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि दे कैन डील विद द सिचुएशन सो इन दिस वे हम हमने हमने बताया कि एक वे था कम्युनिकेशन का दैट वाज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स वे जिसमें नर्व सेल्स और मसल सेल्स कम्युनिकेट कर रही थी इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे और यहाँ पे ये जो हार्मोन वाला वे है दैट इज द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी तो एनिमल हार्मोन्स जो हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम मतलब बॉडी के किसी ऑर्गेन्स में या ग्लैंड्स में हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड में डायरेक्टली इनका सिक्रेशन होता है एंड दे डिफ्यूज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेन्स तो ये एक सेकेंड वे है टू कंट्रोल एंड कोर्डिनेशन इन अवर बॉडी अब हम फिगर सेवन पॉइंट सेवन देखते हैं फिगर सेवन पॉइंट सेवन हमें बताता है एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स ए में आपका मेल में दिखाया है बी में फीमेल का दिखाया है तो यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लैंड जो हैं दे आर कॉमन इन मेल एंड फीमेल यहाँ पे जैसे ये पिनियल ग्लैंड का दिखाया है पिनियल ग्लैंड ये हम देख सकते हैं कि ब्रेन का सेरिबिलम पार्ट है देन ये हिंड ब्रेन में आपका पिटिटरी ग्लैंड है और इधर ही हिंड ब्रेन के पास में ही हाइपोथैलमस है यहाँ थ्रोट में थायराइड ग्लैंड है ये देखिए मेल और फीमेल में सब ये ग्लैंड जो है कॉमन है यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या दिखा रखा है यहाँ पे आपका पैराथाइरॉयड ग्लैंड दिखाया है एंड देन नीचे ये आपका थाइमस ग्लैंड है यहाँ पे हमने बात की किडनी की किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं अभी जो हम बात कर रहे थे एड्रिनल अड़ीनल ग्लैंड्स एड्रीनल हार्मोन हारमोन करती हैं तो ये एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे होता है किडनी के ऊपर होता है ये बोथ मेल एंड फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड्स रहती है और ये पेनक्रियाज है अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं मेल के अंदर ये टेस्ट होते हैं जो टेस्टोस्टुर हार्मोन रिलीज करते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो ये फिगर है जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन-कौन सी ग्लैंड्स होती हैं अच्छा यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हमने प्रीवियस वीडियोज में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं वो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं तो जैसे प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं हार्मोन तो क्या एनिमल हार्मोन भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट मतलब इवन हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जो एनिमल हार्मोन्स हैं दे प्ले दे रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एनिमल्स की जो है एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है जैसे हम बात करें कि इन रेफरेंस टू लाइट एंड ग्रेविटी जो कि हमने प्लांट के केस में पढ़ा था लास्ट वीडियो आप जरूर देखना जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा आ, ट्री होता है ट्री की स्टेम के टिप पे ऑक्जिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है तो हमने ऐसे प्लांट हार्मोंस के बारे में हमने पढ़ा था उसमें उस वीडियो में तो वो आप जरूर देखना सिमिलरली हमने ग्रेविटी का इफेक्ट देखा था कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो कैसे रूट को अपनी तरफ पुल करती है तो ये इफेक्ट हमने डायरेक्शनल ग्रोथ देखा हमने प्लांट में तो अगर क्या हम ऐसा देखेंगे कि हाँ जो लाइट जहां पे जैसे हमारे सिर पे लाइट सनलाइट आ रही है तो हमारा सिर जो ऊपर की तरफ जल्दी जल्दी ग्रो करेगा या ग्रेविटी का इफेक्ट हमारे पैरों पे ज्यादा होगा क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है या किसी भी एनिमल में ऐसा होता है हम थोड़ा सोचेंगे देखिए होता क्या है कि एनिमल बॉडीज के अंदर भी एक ग्रोथ जो है एक कंट्रोल्ड वे में होती है क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि फेस पे जो आपकी फिंगर्स ग्रो कर रही हैं ऐसा कभी नहीं होता है मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन जैसे हम प्लांट में बात कर रहे थे कि प्लांट्स में जो है प्लांट बॉडी में बहुत सारी जगह पे जो है लीव्स ग्रो करते हैं लेकिन लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है क्या कि बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपकी जो फिंगर्स हैं वो ग्रो कर गई मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है ऐसा नहीं है कि जैसे उंगलियां जो है वो एक हाथ में ही आती है ऐसा नहीं है कि सिर पे उंगलियां आ रही हैं तो जो बॉडी का डिजाइन है वो एक कंट्रोल्ड वे में होता है केयरफुली मेंटेन किया जाता है इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन या हम यूं कहें कि जब बच्चा विकसित होता है गर्भ में तभी ये जो है हार्मोन्स जो है बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं अच्छा अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हार्मोंस जो है हाउ डू दे हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ अच्छा हम सब ने ये देखा है कि जब हम खाना खाते हैं तो नमक खाने में ऐड करते हैं और आपने नमक के पैकेट पे सॉल्ट के जो पैकेट्स आते हैं उन पे लिखा हुआ देखा होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट या एनरिच्ड विद आयोडीन तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारी डाइट में

अब ये जो थायरोक्सिन है जो हमारा थाइरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है तो थायरोक्सिन का क्या काम है थायरोक्सिन रेगुलेट करता है हमारे खाने में हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म जो फैट प्रोटीन फैट रहते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में बॉडी में उनको कैसे मतलब डाइजेस्ट किया जाता है तो उनके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायरोक्सिन ताकि बॉडी में एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके एक ग्रोथ का बैलेंस बना रहे तो आयोडीन जो है हमने बताया सिंथेसिस के लिए आयोडीन एसेंशियल है कहां से से रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडीन हमारे खाने में क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो वी विल सफर फ्रॉम ए डिजीज दैट इज नेम्ड गोइटर घेंगा रोग जिसको बोलते हैं तो इस गोइटर डिजीज में क्या होता है स्लोलन नेक एक सिम्टम है कि आपकी गर्दन में एक बहुत बड़ा सोलन जैसा हो जाता है कि एकदम सोलन आपको दिखेगा कि हाँ कुछ लटका हुआ जैसा दिखेगा तो ये जो है इसका सिम्टम्स होता है तो अब आपको जो फिगर 7.7 दिखाया है उसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी पोजीशन को आप कोरिलेट कीजिए अब आप देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में कई बार आपने देखा होगा कि सम पीपुल्स आर वेरी शोर्ट जिनको हम ड्वार्फ बोलते हैं एंड सम आर एक्सट्रीमली टोल जिनको जानस बोलते हैं तो आपको थोड़ा हैरानी होती होगी कि हाउ दिस हैपन

हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए अगर चाइल्डहुड में तो क्या होगा ग्रोथ कम होगी और ग्रोथ कम होगी तो ड्वार्फिज्म जैसी डिजीज आ जाएंगी अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब बच्चे जो है हाँ बड़े होते हैं एंड व्हेन दे अचीव व्हेन दे अप्रोच द एज 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज तो उनकी बॉडी में चेंजेस ड्रामेटिक चेंज अपीयर्स होते हैं जैसे दीस चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द प्युरिटी Uh, क्यों क्योंकि कुछ हारमोन बॉडी में स्पेशल हार्मोन रिलीज होते हैं अब मेल्स में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं फीमेल में ओइन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन इन द बॉडी अच्छा अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन की आपने कभी किसी फैमिली मेंबर्स को जब डॉक्टर से सलाह लेते हुए बात करते हुए कभी सुना हो तो डॉक्टर अगर आपके किसी फैमिली में कभी किसी दादा नाना कभी किसी को एडवाइज कर रहे हो कि उनको डाइट में शुगर का इंटेक कम करना है अगर ऐसा होता है तो इट मींस क्या है इट मीन्स कि उनको डायबिटीज की बीमारी है दे आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज दैट इज डायबिटीज तो अगर डायबिटीज की बीमारी है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि दे इन उनकी जो डाइट में शुगर का इंटेक है वो कम होना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है हम अगेन आपको पेनक्रियाज दिखाते हैं ये देखिए है। हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टेमक के नीचे पेनक्रिया जो जब जैसे ही हमारा स्टेमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ होता है तो पेनक्रियाज से यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन और ये इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल मान लीजिए इफ इट इज नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट देन शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस होता क्या है कि जो हमने बताया ना कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, that, that का सिक्रीशन एक में होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड ए मैकेनिज्म दिस इज डन जैसे टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज दे आर रेगुलेटेड बाई फीडबैक मैकेनिज्म वो कैसे जैसे मतलब हमारी बॉडी जो है ना फीडबैक भी देती है कि अब आपका जो सिक्रीशन बॉडी को ज्यादा चाहिए या कम चाहिए जैसे अभी हम बात करें कि मान लो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, में, में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया तो शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करेगा इंसुलिन करेगा तो इंसुलिन फिर क्या करेगा पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रिएट करेगा ब्लड के अंदर रिलीज करेगा और फिर अगर मान लो इंसुलिन इंसुलिन अब जो है शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है लेकिन अगर फिर ब्लड में शुगर का लेवल ड्रॉप हो जाता है ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है फिर क्या है फिर पेनक्रिएटिक सेल फिर से डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो गया है तो अब मतलब उनको इंसुलिन सिक्रेशन कम करना है तो एज ए रिजल्ट इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है तो ये जो हार्मोन का कंट्रोल होता है रेगुलेट किया जाता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म तो अब यहां तक हमने पढ़ा कि एनिमल हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है अगेन यहां पे एक्टिविटी 7.4 में आपको एक टेबल दिखाई है एक टेबल 7.1 में आपको बताया है कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हार्मोन्स जो है दे आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड और इन हार्मोन्स के मतलब एक पर्टिकुलर हार्मोन्स का पर्टिकुलर फंक्शन होता है स्पेसिफिक हार्मोन्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस तो यहां पे आपको क्या काम करना है ये जो टेबल सेवन पॉइंट वन है इसको कंप्लीट करना है इसमें हम ये जो एक कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ हार्मोन उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन यहाँ पे जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन बताया है ग्रोथ हार्मोन हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं एंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दिस स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल द ऑर्गन्स अब यहाँ पे बात हो रही है थायराइड ग्लैंड की थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं हमने पढ़ा ना अभी थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड और ये क्या रेगुलेट करती हैं दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म जैसे हमने बताया कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो भी हम फूड में लेते हैं तो जो फूड के हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं कौन थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है इंसुलिन इंसुलिन का भी हमने पढ़ा से 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 कौन सी, कहां से होता है से. और इंसुलिन का काम क्या है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना टेस्टोस्टिरोन हार्मोन टेस्टोस्टिरोन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होते हैं एंड दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इसके साथ साथ ये तो मेन काम है इसके साथ साथ ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं बोन मास को रेगुलेट करता है टेस्टोस्टिरोन हार्मोन मसल मास एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और आरबीसीज को प्रोड्यूस दैट आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स अच्छा अब बताएंगे अगर ओवरीज एंडोक्राइन ग्लैंड ओवरीज है कौन सा हार्मोन रिलीज करती organ, cycle, अच्छा, अच्छा, अड्रिनलीन, अड्रिनलीन का हमने बहुत सारे फंक्शन हमने देखे जो एड्रीनलिन ग्लैंड से रिलीज होते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है किडनी के ऊपर लोकेटेड है और इनके फंक्शन हमने पढ़ाई था कि कैसे हार्ट बीट को फास्ट करते हैं कैसे से ब्रीदिंग को फास्ट करते हैं कैसे ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स तक पहुंचाते हैं इंक्रीज करते हैं इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स बहुत सारे फंक्शंस uh, को रेगुलेट करने का काम करता है एड्रेनालिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगेन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और हाइपोथैलेमस हमने बताया ना कि ब्रेन में लोकेटेड होता है एंड से जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि आप हार्मोन रिलीज करो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं तो यह यहाँ पे हमने पढ़ा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और इनके क्या फंक्शन है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद